हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान में इकाई एक दैनिक जीवन में विज्ञान, इसके बारे में जानेंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है। हम उस टॉपिक को जानेंगे। विज्ञान के बारे में कैसे जाना गया, क्योंकि किसी भी मनुष्य का गुण होता है, मनुष्य का नेचर होता है कि वह जिज्ञास होता है, जानना चाहता है कि यह कार्य कैसे हुआ, यह क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, पानी क्यों उबलने लगता है, हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं नीचे ही क्यों आता है, वह ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, किसी पेड़ से कोई फल गिरता है तो वह नीचे ही चला आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। ये प्रकार की जिज्ञासा मन में उठता है, और जब जिज्ञास होता है, व्यक्ति जानना चाहता है, तभी किसी चीज का आविष्कार होता है, विकास होता है। तो विज्ञान की देन है कि हम आज कहां से कहां हर क्षेत्रों में प्रगति किए हैं। जैसे कि पहले हमारे पास जो माध्यम से संचार के माध्यम, चाहे जो माध्यम थे, उसके बारे में पहले डाक सेवा होता था, चिट्ठी जो होती ना, लेट चिट्ठी के माध्यम से हम लोग जानते थे, किसी को संदेश देना था तो चिट्ठी लिखा जाता था, डाक के माध्यम से भेजा जाता था। तो आज विज्ञान की देन है कि नई नई प्रगति हुई है हर क्षेत्रों में, कई कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। लेकिन ये जो विज्ञान है, इसको इसके लिए क्या होता है, जिज्ञासा अगर मन में, विज्ञान कैसे जाना जाए, जिज्ञासा हुआ, परिकल्पना हुआ, परीक्षण हुआ और निरीक्षण हुआ, अभिलेखन हुआ, पुनर्विचार हुआ, फिर निष्कर्ष निकाला गया और फिर नए नए प्रयोग किए। इन इतने टॉपिक को जब समझा गया, जाना गया, तो धीरे धीरे विज्ञान के बारे में जाना गया। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या है, पहले हम जानते थे कि जैसे कहीं हमको जाना है तो हमारे पास जो साधन था वो बैलगाड़ी के माध्यम से, खच्चर थे, घोड़ा थे, घोड़ा गाड़ी था, इसके माध्यम से हम सफर करते थे। कहीं जाना होता तो लंबा समय लगता था, काफ़ी समय लग जाता उस स्थान पहुंचने में। किसी को संदेश देना होता था तो हम शिक्षा के लेटर चिट्ठी जो होती, चिट्ठी के माध्यम से जो है सूचना 5 दिन 7 दिन जब डाक द्वारा पहुँचता था, सूचना मिलता था। इसी तरह पहले लोग बीमार होते थे तो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, क्योंकि उनके पास नई टेक्निक नहीं थी, नया कोई खोज नहीं था कि हम किस तरीके से रोग का पता लगाएं, कौन सा बीमारी है, क्या है, क्योंकि कोई उस समय माने चिकित्सा से संबंधित कोई यंत्र उपस्थित नहीं थे जिससे हम जांच करें, चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे एक्सरे हो, ये चीज़ें पहले नहीं थी। ये विज्ञान की देन थी कि जिसके द्वारा नई नई चीज़ें आविष्कार हुआ। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, हमने बताया आपको पहले हमें हमारे पास पंखा नहीं था, बिजली नहीं थी, तो विज्ञान के माध्यम से ही समाज को बहुत सी चीज़ें दी गई जिससे आज समाज उसका उपभोग कर रहा है। टॉपिक हमारा तो है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। परंपरागत मैंने जिसका हम पहले उपयोग करते थे, और आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, पहले की तुलना में और आज की तुलना में जो है क्या परिवर्तन विज्ञान के द्वारा हुआ। जैसे हमारा भोजन की बात हो जाएगी, पहले हम भोजन कैसे किस माध्यम से बनाते थे, कहाँ बनाते थे, किसमें बनाते थे, तो पहले मिट्टी का चूल्हा होता था, मिट्टी के चूल्हा के द्वारा हम भोजन को पकाते थे। मिट्टी के परंपरागत बर्तन भी होते थे, मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे आज हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, लेकिन पहले ये नहीं होते थे, पहले मिट्टी के बर्तन भी होते थे, ठीक है। और क्या था, धातुओं से निर्मित बर्तन, कुछ जो जिनके पास, कुछ लोगों के पास है, जैसे लोहे से बने बर्तन, कड़ाही हुआ ना, और बटुआ इसको बोलते थे, ये सब पहले उपयोग होता था। चूल्हा किसका होता था, मिट्टी का होता था। लेकिन आज विज्ञान की देन क्या है, आज हमारे पास गैस चूल्हा है, सोलर कुकर हो गया, सोलर कुकर माने सूर्य के प्रकाश से, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। इससे क्या लाभ हुआ, एक तो जब हम गैस जो चूल्हे पे खाना बनाते थे उसमें आग, लकड़ी से आग जलाई जाती थी, धुआं होता था, उससे जो होता पर्यावरण जो है प्रदूषित होता था, भोजन बनाने वाला भी धुआं उसके सांस में जाता था, फेफड़े में जाता था,
वो बहुत सी बीमारियों से ग्रसित होता था, टाइम बहुत लगता था। जो चीज़ आज हम 10 मिनट जो खाना 15 मिनट बनाते हैं, पहले आधे आधे घंटे लोग चूल्हे के चूल्हे पे खाना बनाते थे और क्लाइमेट हमारा प्रदूषित होता था, वातावरण। लेकिन आज टाइम की बचत हो रही है गैस चूल्हे से, सोलर कुकर माने सूर्य के प्रकाश से यूज होने वाले जो कुकर है उसका विकास हो गया है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं जो जल्दी ही गर्म हो जाते हैं और अच्छे से उसको साफ भी कर सकते हो, टाइम का बचत होता था। अब कृषि के क्षेत्र में बात हो, पहले कृषि में क्या, पहले हमारे पास जो कृषि का साधन था वह हल था, बैल था, पानी भरने के लिए कुआं रहस हुआ करता था, गोबर की खाद थी। हमारे पास जो पहले की मैंने विज्ञान के विकास से पहले जो हमारे पास व्यवस्थाएं थी वह क्या थी, गोबर की खाद थी, ठीक है, और बैल था, कुआं था, रहट था, हल था। लेकिन आज आज ऐसा नहीं है, आज के समय जो है हमारे पास क्या है, ट्रैक्टर हो गया है, क्योंकि बैल से हम दिन भर एक किसी खेत की जुताई करना होता था, दिन भर बैल लेके कृषक जो है उस खेत में जाता था। आज उतने ही बड़े खेत को 10 मिनट के अंदर ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई के लिए पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, पूरा दिन वेस्टेज होता था। आज नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, पहले जो गोबर की खाद हुआ करती थी आजकल रासायनिक खाद है, उन्नतशील बीज, पहले जो बीज थे सामान्य बीज थे जिनमें प्रोडक्शन कम होता था, उससे जो है उपज जो है कम होती थी। लेकिन आज हमारे पास जो है वैज्ञानिक तरीके से संश्लेषित जो बीज हैं, उन्नत बीज जिसको बोलते हैं, उसमें प्रोडक्शन कम होता है, कम ही खेत में उपज ज़्यादा होता है और जो बीज होता है वह स्वस्थ बीज होता है, अच्छा बीज होता है। और क्या है, रासायनिक उर्वरक से क्या होता है, पौधे को तुरंत शक्ति मिल जाती है और पौधे का जो विकास अच्छा होता है तो उसमें फल बालियाँ अच्छी लगती हैं। और कीटनाशक हमारे पास, पहले जो है पौधों को कीट पतंगे होते थे खा जाते थे, आज जो हमारे पास कीटनाशक हैं जिनके द्वारा हम छिड़काव करते हैं हमारी फसल अच्छी हो जाती है। थर्ड टॉपिक हमारा यातायात है, यातायात में बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि हुआ करता था, जिससे हमें किसी स्थान पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता था। आज के युग में हमारे पास साइकिल है, कार है, बस है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है, वायुयान है, जिनके द्वारा किसी भी मंजिल को, किसी भी स्थान को बहुत कम ही समय में हम तय कर लेते हैं, हमारे समय का बचत होता है। संचार का माध्यम हमने आपसे चर्चा किया भी इसके पहले, कि पहले संचार के लिए सिर्फ डाक द्वारा, संदेश वाहक द्वारा होता था, आज टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को कुछ समय में ही, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में अपनी बात कर लेते हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी दूर हो लेकिन हमारी उससे तुरंत फिर मनुष्य बात हो जाती है, समय का हमको इंतजार नहीं करना पड़ता कि 5 दिन 7 दिन बाद आएगा। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र की बात हुई, पहले चिकित्सा के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं था, चिकित्सा के लिए हम जड़ी बूटी, झाड़ फूक, इस पर निर्भर करते थे, नाड़ी देखकर अनुमान लगाया जाता था। लेकिन आज हमारे पास पैथोलॉजी डेवलप हो गई, मशीनें डेवलप हो गई, जिसमें हम मल मूत्र ब्लड का जांच करके माने कुछ ही घंटों में मनुष्य किस बीमारी से ग्रसित है उसके बारे में पता लगा लेते हैं। एक्सरे है, एक्सरे के माध्यम से कौन सी हड्डी टूटी है, अल्ट्रासाउंड है माने इंटरनल आर्गन जो है, आंतरिक अंग जो है उनमें कौन सी बीमारी या क्या जटिलता है उसको जान लेते हैं। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, विज्ञान, जो विज्ञान है उसकी खोज है, जिसका हम आज अच्छे से उपभोग कर रहे हैं। फिर अंतरिक्ष की बात होती है, हमारे पास आज इसरो हो गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, जहाँ पे हम बहुत से सेटेलाइट भेज के अपने माने सेटेलाइट के माध्यम से, जो टेलीविज़न हम देखते हैं वो सेटेलाइट के द्वारा ही देखते हैं, जो वहाँ से वह पिक्चर लेता है जिसको हम अपने टेलीविज़न के द्वारा मोबाइल का जो उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष में बहुत ही भारत प्रगति किया है, आज हम दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं हैं, हमारे पास स्वयं का क्रायोजेनिक इंजन है जिसके द्वारा हम भेजते हैं बड़े बड़े अंतरिक्ष में अपने जो भी कुछ भेजना होता है सेटेलाइट, हमारे पास सेल्फ क्रायोजेनिक इंजन है जिसके द्वारा हम भेजते हैं। इसी तरह इस रक्षा के क्षेत्र में आज हमारा देश जो है वह रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। पहले हमारे पास ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले हमारे पास भाला था, तलवार था, तीर था, धनुष था, लेकिन आज हमारे पास टैंक हैं, लड़ाकू विमान हैं,
बम है, ये सब विज्ञान की देन है, जिसके कारण हम आज हमारा देश जो है विकास कर रहा है और हम जो भी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, जैसे पंखा है, टेलीविजन है, जो भी चीजें हमारे जीवन में सुख सुविधाओं का नया जो हम उपभोग कर रहे हैं, जिससे हमारा समय बच रहा है, खाने पीने स्वास्थ्य संबंधी जो भी व्यवस्थाएं हैं, वह विज्ञान के ही कारण है। हम कल विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं कल हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हमने दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है, इसके बारे में जाना है। ठीक है, ओके, बाय।